हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। अगर आप यूट्यूब पे चैनल को सर्च करते हैं एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन से और चैनल आपको सर्च नहीं हो रहा है, तो इसके आगे आप चैनल लगा के सर्च कर लीजिए, तो इससे आपको चैनल सबसे फर्स्ट में शो होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइट के बेल आइकन को क्लिक कर ले, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये जो वोकैब का सीरीज है, इसका प्लेलिस्ट और टेलीग्राम का लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सजेशन क्वेरी है तो या तो आप टेलीग्राम चैनल ग्रुप जो है वहाँ पे, या इसका वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो चलिए वर्ड्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाय रूट वर्ड्स को हम लोग प्रीवियस डे ही स्टार्ट किया है और इस पर हम लोग कई सारे रूट वर्ड्स को देख चुके हैं। तो चलिए आज के वर्ड्स को देखते हैं। आज का पहला वर्ड है बाइसेप्स, और यह वर्ड से सभी लोग फेमिलियर होंगे कि बाइसेप्स होता क्या है। जो हमारा हाथ का जो ऊपर हाथ का ऊपर आर्म, जो अपर आर्म हम लोग जिसको बोलते हैं, उसका जो मसल से ऊपर का, उसको क्या बोलते हैं? बाइसेप्स। जिम वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर अक्सर बोलते हैं कि बाइसेप्स जो है, बाइसेप्स बना कि नहीं, तो ये वही वर्ड है बाइसेप्स। और इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। अ मसल्स विथ टू हेड्स, स्पेशली द लार्जर फ्लेक्सर मसल्स ऑफ द, ये क्या है? ऑफ द अपर आर्म। अपर आर्म का जो मसल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइसेप। और यहाँ पे बाय मतलब टू, और ये जो CEPS है ये बना है कैपुट से। तो आई होप ये वर्ड्स तो आप इजिली समझ गए होंगे और इसको जानते भी होंगे। नेक्स्ट वर्ड है बाय कोस्टल, यहाँ पे भी बाय मतलब टू और इसमें कोस्टल लगा हुआ है, तो इसका मतलब होता है इन्वॉल्विंग पीपल एंड प्लेसेस ऑफ बोथ साइड्स द ईस्ट एंड द वेस्ट। वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट के दोनों साइड्स के पीपल और प्लेसेस जिसमें इन्वॉल्व हैं उसको क्या बोलेंगे? बाय कोस्टल। नेक्स्ट वर्ड है बाय कस्पीड, यहाँ पे बाय मतलब टू और कस्पीड मतलब होता है पॉइंट, यानी जिसमें दो पॉइंट है उसको हम लोग बाय कस्पीड बोलेंगे। और स्पेशली इस वर्ड का यूज किया जाता है टूथ के लिए, वैसा टूथ जिसमें दो पॉइंट है, तो अ डबल पॉइंटेड टीथ को हम लोग क्या बोलेंगे? बाय कस्पीड। और ये टीथ कौन सा होता है? तो ये हम लोगों का ये प्रीमोलर टीथ जो होता है वह बाय कस्पीड होता है, इसमें दो पॉइंट होते हैं। तो आई होप ये वर्ड्स को भी आप समझ गए होंगे। और इसके बाद जो ये मोलर जो टीथ हैं, इसमें किसी में चार या पाँच पॉइंट होते हैं, तो जो टीथ का पॉइंटेड जिसमें पॉइंट जो है दो है उसको क्या बोलते हैं? बाय कस्पीड। नेक्स्ट वर्ड है बाय साइकिल, बाय मतलब टू और साइकिल मतलब होता है व्हील, तो वैसा चीज जिसमें दो व्हील है तो उसको क्या बोलेंगे? बाय साइकिल। तो ये हो गया अ व्हीकल विथ टू व्हील्स दैट यू राइड बाय पुशिंग द पैडल्स, ऐसा व्हीकल जिसमें कि दो व्हील्स हैं और उस पर हम लोग कैसे चलाते हैं उसको? पैडल को पुश करके, दैट मीन्स साइकिल। तो ये भी वर्ड से हम लोग बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाय डेंटेट, तो यहाँ पे अगेन बाय मतलब टू, डेंट मतलब टीथ, दैट मीन्स हैविंग टू टीथ, दो टीथ, टीथ का होना, दांत का होना, उसको क्या बोलेंगे? बाय डेंटेट। यानी हो सकता है कई सारे एनिमल होंगे जिसको दो ही दांत हो, तो उसको क्या बोलेंगे? बाय डेंटेट। ये क्या है? एडजेक्टिव। चलिए नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाय डायरेक्शनल, यानी इसमें भी क्या बात होगा? दो डायरेक्शनल का बात होगा, बाय मतलब टू और डायरेक्शन मतलब, डायरेक्शनल का मीनिंग यहाँ क्या आएगा? डायरेक्शन। तो फंक्शनिंग इन टू डायरेक्शन, कोई भी चीज दो डायरेक्शन में वर्क कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? बाय डायरेक्शनल। नेक्स्ट वर्ड है बायनियल, और अगेन अब इस वर्ड्स को आप प्रीवियस वर्ड से रिलेट कर लेंगे तो आप इजिली इसको समझ पाएंगे। चलिए मैं अभी बताता हूँ क्या है। बाय मतलब टू और इन मतलब यहाँ पे ईयर्स है, तो इसका मतलब होगा अकरिंग वंस एवरी टू ईयर्स, यानी प्रत्येक दो साल में एक बार घटना कोई जो होता है उसको बायनियल बोलेंगे। और एक था बाय एनुअल, ये दोनों वर्ड्स में आप ध्यान रखिएगा, बाय एनुअल में भी क्या है? बाय प्लस एनुअल। तो यहाँ पे बाय मतलब अगेन टू हो गया और एनुअल मतलब यहाँ पे हो गया ईयर, तो इसका मतलब क्या है कि जो एक साल में दो बार होता है उसको हम लोग बाय एनुअल बोलेंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो दो साल में एक बार हो, यहाँ पे एक साल में दो बार है, दैट मीन्स अगर यह एक टाइम पीरियड है एक ईयर का, तो अगर कोई घटना टू टाइम्स इसमें अक्कर हो रहा है तो उसको बाय एनुअल बोलेंगे।
और अगर ये 2 साल का कोई टाइम पीरियड है, 1 ईयर 1 ईयर, और इस पूरे टाइम पीरियड में केवल एक बार कोई घटना घट रहा है, तो उसको बायनियल बोलेंगे। तो यहाँ पे इस रूट वर्ड से आप अच्छे से इसको ध्यान दे देंगे, ई डबल एन आएगा तो वह 2 साल में एक बार होने वाला होगा, और ए डबल एन ये 1 ईयर में 2 बार होने वाले घटना को बोलेंगे। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका हिंदी क्या हो गया, 2 साल में एक बार होने वाला बायनियल। नेक्स्ट वर्ड है बाई फोकल। बाई मतलब टू, और फोकल क्या होता है, फोकस होता है। तो ऐसा चीज जिसमें दो फोकस है उसको बाई फोकल बोलेंगे। तो हैविंग टू फोकल लेंथ वो उसको क्या बोलते हैं, बाई फोकल, और हिंदी में द्विफोकसी। नेक्स्ट वर्ड है बाई गेमी। अगेन यहाँ पे बाय मतलब टू, और गेमी मतलब क्या होता है, मैरिज यानी शादी। तो जो जिसका भी दो शादी है एट ए टाइम, एक समय पे, उसको बाय गेमी बोलते हैं। द प्रैक्टिस ऑफ बींग मैरिड टू टू पीपल एट द सेम टाइम। दो पीपल से एक ही टाइम पे अगर मैरिज है किसी का तो उसको क्या बोलेंगे, बाय गेमी। हो सकता है वह मेल हो या फीमेल, दोनों के लिए ये वर्ड है। तो इसका हिंदी देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। एक पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह करना क्या कहलाता है, बाय गेमी। नेक्स्ट वर्ड है बाय लेबियल। तो बाय मतलब टू, और लेबियो मतलब होता है लिप। दैट मीन्स जो दोनों लिप का अगर हम लोग यूज करके कोई साउंड निकालते हैं तो उस साउंड को क्या बोलेंगे, बाय लेबियल। तो ये क्या, जैसे बाय लेबियल साउंड अगर हम लोग बोलते हैं तो ये साउंड क्या है, नाउन, और इससे पहले ये आ गया तो ये वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो अ स्पीच साउंड मेड बाय यूजिंग बोथ लिप्स, तो वैसा साउंड जो कि दोनों लिप्स का यूज करके बोला गया, बनाया गया, उसको बाय लेबियल बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है बाय लेटरल। अगेन यहाँ पे बाय मतलब टू और लेटर मतलब होता है साइड। तो इन्वॉल्विंग टू ग्रुप्स ऑफ पीपल और टू कंट्रीज, यानी दो ग्रुप या दो कंट्री का जिसमें इन्वॉल्वमेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायलेटरल। इस वर्ड से आप फेमिलियर ही होंगे, जैसे बायलेटरल टॉक्स, द्विपक्षीय बात अगर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, बायलेटरल। तो इस वर्ड से भी आपने आए दिन ये वर्ड भी आप सुनते ही रहते होंगे। तो बायलेटरल क्या है, या तो दो ग्रुप के पीपल का इन्वॉल्वमेंट, या दो कंट्री के, या ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी हो सकता है लेकिन दो के सेंस में। तो ये हो गया बायलेटरल। आई होप फ्रेंड्स आज के वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम पे आप बोल सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।